इस आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा रेडमी नोट 13 प्रो प्लस 5G फ़ोन, तो रेडमी नोट 13 प्रो प्लस 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में डाटा वार्निंग लिमिट है, तो डाटा वार्निंग की लिमिट को आप सेट कैसे कर सकते हैं रेडमी नोट 13 प्रो प्लस 5G फ़ोन में, और वार्निंग लिमिट को आप सेट कैसे कर सकते हैं इस ऑप्शन के ज़रिए, तो आज हम बताने वाले हैं कि वार्निंग लिमिट को आप सेट कैसे कर सकते हो, डाटा वार्निंग लिमिट कैसे लगाएं, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन्स हैं, शो रहे हैं, तो सिंपली स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। ओपन होते ही आपको सेटिंग्स पे जाना, और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में वार्निंग लिमिट है, तो वार्निंग लिमिट को आप सेट कैसे कर सकते हैं अपने रेडमी फ़ोन में, तो सिंपली सेटिंग शो हो रही है, तो वार्निंग लिमिट को सेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वार्निंग पर ऐसा कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं आएगा, देख सकते हैं। तो आपको यहाँ से पोर्टेबल हॉटस्पॉट सेटिंग्स पे जाना होगा। जब आप पोर्टेबल हॉटस्पॉट सेटिंग्स पे जाते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है। इस ऑप्शन के ज़रिए आप वार्निंग लिमिट को सेट कर सकते हैं। ना आप ऑफ़ करते हैं तो कोई भी लिमिट आप सेट नहीं कर सकते वार्निंग की, एंड आप इसको ऑन कर देंगे तो ऑन करके वार्निंग लिमिट सेट कर पाएंगे कुछ इस तरीके से। इस पे जाकर आप वार्निंग लिमिट को सेट कर सकते हैं। देख सकते हैं कि आप जैसे इस तरीके से आप लिमिट सेट करते हैं और आपके फ़ोन में कुछ इस तरीके से वो लिमिट आपकी सेट हो जाएगी, कुछ 5000, 55000, 8000 जो भी आपकी है यहाँ पर शो हो जाएगी लिमिट, जो भी आप सेट करना चाहें। आप चाहें तो MB में भी सेट कर सकते हैं वार्निंग लिमिट को। तो इस तरीके से डाटा वार्निंग लिमिट को आप सेट कर सकते हैं अपने रेडमी फ़ोन में। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें।